वेरीनाग नौगाम से वीडियो सामने आया है, आप लोग ये वीडियो देख लें। अगर कोई नया दोस्त भी आज हमारे इस चैनल पे पहली बार आया है तो उससे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको कश्मीर रिलेटेड और बाकी दुनिया रिलेटेड भी 24/7 इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ साथ ऑथेंटिक कॉन्टेंट्स भी देखने को मिलते रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस कदर ये गुफा जो है यहाँ पे पाई गई है, और यहाँ पे जो मैंने बारू का जो अमला है वो इस वक्त यहाँ पे लगा हुआ है ताकि इस गुफा के अंदर किसी तरीके से वो जाएं, ताकि वहां पे ये पता लगाए कि ये कौन सा जानवर वहां पे है। ये बालू भी हो सकता है, यहाँ पे इस इलाके में तेंदुए भी पाए गए हैं, तो लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि वो एहतियात करें और फिलहाल इस एरिया की तरफ वो ना आए जब तक ना इसको अच्छे तरीके से ट्रैप यहाँ पे किया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, वेरीनाग नौगाम शाहबाद से आप बराह रास्ता हमारे साथ जुड़े हैं, और यहाँ पे एक गुफा है जिसकी इतला मिलते ही यहाँ पे ये टीम जो है पहुंची हुई है, और इनका भी यही मानना है कि हमने यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे से हम कोशिश कर रहे हैं और वहां पे हमें थोड़े से सुराग मिले हैं कि वहां पे कोई जानवर है। गुफा इतनी गहरी है कि पूरा उसके अंदर नहीं जा सकते हैं अभी ये, हालांकि उन्होंने यहाँ पे जाल वगैरह बिछाया हुआ है, पूरे सामान के साथ ये यहाँ पे मौजूद है ताकि किसी भी मामले से यहाँ पे निपटा जा सके। आप देख सकते हैं वेरीनाग नौगाम शाहबाद से आप बराह रास्ता हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे मैंने बात की कि मुसद्दिका इतला मिलने पर ये टीम यहाँ पे पहुंची हुई है, क्योंकि जंगली जानवर है इस पर कोई भरोसा नहीं होता है। आधे घंटे से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस गुफा के अंदर ये जाए, जान की बाजी लगाते हैं ऐसे लोग जो लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे, आम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो वही हमारे तरफ से यही मैसेज रहेगी, हमारी तरफ से यही मैसेज रहेगी कि जो भी इर्द गिर्द के यहाँ पे बाशिंदे हैं वो फिलहाल इस पोर्शन में ना आए। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, वेरीनाग नौगाम शाहबाद का ये इलाका है और यहाँ के जो खेत है इसके बीचों बीच यहाँ पे ये गुफा पाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जो अमला यहाँ पे वो लगा हुआ है ताकि किसी तरीके से इसको ट्रेस आउट किया जाए। हालांकि इनका ये कहना है कि गुफा बहुत गहरी है, ये 4 फुट 5 फुट की गुफा नहीं है, उससे ज्यादा है ये, और उसके अंदर भरपूर जाने की कोशिश की जा रही है। हम यहां से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, वेरीनाग नौगाम शाहबाद का ये इलाका है, एक बहुत बड़ा वसी इलाका है, और यहाँ पे अगर हम मुकामी बाशिंदों की बात करेंगे तो इनका भी रजामल इस हवाले से है। यहाँ पे ये गुफा है और वहां पे जो छुपा हुआ जानवर है अभी मालूम नहीं है कि क्या है, उन्होंने इस पूरे इहाते को कार्डन ऑफ किया है। यहां से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ये देख सकते हैं आप, इन्होंने एक और गड्ढा खोदा है ताकि एक साइड से ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल से फुटेज ली जा रही है कि अंदर क्या है। वहां पे आसारात हैं और गहरा गड्ढा लग रहा है, वहां ये गुफा बनाई है, आप देख सकते हैं ये एक खेत है और इसमें आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि इसके अंदर कोई गुफा है। कोई माँ बहन यहाँ पे आ सकती है,
सब्जियां लेने के लिए, लेकिन उसको अंदाजा ही नहीं होगा कि इसके अंदर जो है वो कोई गुफा होगी। आप देख सकते हैं इन्होंने दूसरा गड़ा यहाँ पे खोदा है ताकि असली गुफा तक ये पहुंच पाए। उन्होंने यहाँ पे मोबाइल से फुटेज ली है, बहुत अच्छी टैक्टिक का इस्तेमाल किए हैं। हम आलू को वहाँ रिजर्वर से, जो वाटर रिजर्वर था, किस तरीके से उन्होंने उसको वहाँ से रेस्क्यू किया था बड़ी जांबाजी के साथ, और इस वक्त भी आप देख सकते हैं मोबाइल फोन को डंडे से ये बांध रहे हैं ताकि ये फोन जो है गुफा के अंदर थोड़ा सा चला जाए और वहां पे पता लगाया जा सके कि अंदर क्या है। हालांकि थोड़े से सुराग इनको मिले हैं। सब्जी तुल लड़ा वड़ा अलग वल क और पे नजर आब बन बड़ बार गोप मगर नबर द्राव नबर द्राव नोर मे ये हमसाय नश पता कि क्या दल दस गो कल। तो ये जो मुकामी बाशिंदे इनका ये कहना है कि हमने बाहर से देखा लेकिन हमें ये पता नहीं थी कि ये इतनी गहरी गुफा यहाँ पे है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा गढ़ा भी उन्होंने यहाँ से खोदा है। ये देख सकते हैं आप किस कदर फुटेज ली जा रही है अंदर से, और ये पता लगाया जा रहा है कि अंदर क्या छुपा हुआ है। तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर वो वेरीनाग नौगाम शाहबाद से या चौगुण से ताल्लुक रखते हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि एहतियात करें इन दिनों, क्योंकि फसल काटी जा रही है, जानवर यहाँ पे मौजूद होते हैं, वो एहतियात करें। और ये बैलट जो है शाहबाद बाला की बात करेंगे, यहाँ पे अक्सर बालू तेंदुए पाए जाते हैं, तो एहतियात करना ही बेहतर है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सब्जियां लाने की गरज से आए थे, उनको मालूम ही नहीं था कि हमारे खेत के अंदर इस कदर गुफा होगी और कोई जानवर इसके अंदर छुपा होगा। तो बहरहाल तो फिलहाल यही पता लगाया जा रहा है कि आखिर अंदर क्या छुपा हुआ है। सहेगी कि वो एहतियात करे और फिलहाल इस एरिया की तरफ वो ना आए जब तक ना इसको अच्छे तरीके से ट्रैप यहाँ पे किया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा वेरीनाग नौगाम शाहबाद से आप बराए रास्ता हमारे साथ जुड़े हैं, और यहाँ पे एक गुफा है जिसकी इतला मिलते ही यहाँ पे ये टीम जो है पहुंची हुई है, और इनका भी यही मानना है कि हमने यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे से हम कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे हमें थोड़े से सुराग मिले हैं कि वहाँ पे कोई जानवर है। गुफा इतनी गहरी है कि पूरा उसके अंदर नहीं जा सकते हैं अभी ये। हालांकि उन्होंने यहाँ पे जाल वगैरह बिछाया हुआ है, पूरे सामान के साथ ये यहाँ पे मौजूद है ताकि किसी भी मामले से यहाँ पे निपटा जा सके। आप देख सकते हैं वेरीनाग नौगाम शाहबाद से आप बराए रास्ता आधे घंटे से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस गुफा के अंदर ये जाएं। जान की बाजी लगाते हैं ऐसे लोग जो, तो वही हमारे तरफ से यही मैसेज रहेगी कि जो भी इर्द गिर्द के यहाँ पे बाशिंदे हैं
वो फिलहाल इस पोर्शन में ना आए। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, वेरीनाग नौगाम शाहबाद का ये इलाका है और यहाँ के जो खेत है इसके बीचों बीच यहाँ पे ये गुफा पाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा जो अमला यहाँ पे वो लगा हुआ है ताकि किसी तरीके से इसको ट्रेस आउट किया जाए। हालांकि इनका ये कहना है कि गुफा बहुत गहरी है, ये 4 फुट 5 फुट की गुफा नहीं है, उससे ज्यादा है ये, और उसके अंदर भरपूर जाने की कोशिश की जा रही है। हम यहां से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वेरीनाग नौगाम शाहबाद का ये इलाका है, एक बहुत बड़ा वसी इलाका है और यहाँ पे अगर हम मुकामी बाशंदों की बात करेंगे, सुबह गोफ लोट बाशो अत जानवर, यहाँ पे ये गुफा है और वहाँ पे जो छुपा हुआ जानवर है अभी मालूम नहीं है कि क्या है। यहाँ से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ये देख सकते हैं आप, इन्होंने एक और गड्ढा खोदा है ताकि एक साइड से ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल से फुटेज ली जा रही है कि अंदर क्या है। वहां पे आसारात हैं और गहरा गड्ढा लग रहा है, वहां ये गुफा बनाई है आप देख सकते हैं। ये एक खेत है और इसमें आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि इसके अंदर कोई गुफा है। कोई माँ बहन यहाँ पे आ सकती है सब्जियां लेने के लिए, लेकिन उसको अंदाजा ही नहीं होगा कि इसके अंदर जो है वो कोई गुफा होगी। आप देख सकते हैं इन्होंने दूसरा गड्ढा यहाँ पे खोदा है ताकि असली गुफा तक ये पहुंच पाए। उन्होंने यहाँ पे मोबाइल से फुटेज ली है, बहुत अच्छी टैक्टिक का इस्तेमाल किए हैं। वाटर रिजर्वर था, किस तरीके से उन्होंने उसको वहां से रेस्क्यू किया था बड़ी जांबाजी के साथ, और इस वक्त भी आप देख सकते हैं मोबाइल फोन को डंडे से ये बांध रहे हैं ताकि ये फोन जो है गुफा के अंदर थोड़ा सा चला जाए और वहां पे पता लगाया जा सके कि अंदर क्या है। हालांकि थोड़े से सुराग इनको मिले हैं, तो ये जो मुकामी बाशिंदे इनका ये कहना है कि हमने बाहर से देखा लेकिन हमें ये पता नहीं थी कि ये इतनी गहरी गुफा यहाँ पे है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा गड्ढा भी उन्होंने यहाँ से खोदा है, ये देख सकते हैं आप किस कदर फुटेज ली जा रही है अंदर से, और ये पता लगाया जा रहा है कि अंदर क्या छुपा हुआ है। तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर वो वेरीनाग नौगाम शाहबाद से या चौगुण से ताल्लुक रखते हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि एहतियात करें इन दिनों, क्योंकि फसल काटी जा रही है, जानवर यहाँ पे मौजूद होते हैं, वो एहतियात करें। और ये बैलट जो है शाहबाद बाला की बात करेंगे, यहाँ पे अक्सर बालू तेंदुए पाए जाते हैं, तो एहतियात करना ही बेहतर है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सब्जियां लाने के घर से आए थे, उनको मालूम ही नहीं था कि हमारे खेत के अंदर इस कदर गुफा होगी और कोई जानवर इसके अंदर छुपा होगा। तो बहरहाल
तो फिलहाल यही पता लगाया जा रहा है कि आखिर अंदर क्या छुपा हुआ है, और इनका भी यही मानना है कि हमने यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे से हम कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे हमें थोड़े से सुराग मिले हैं कि वहाँ पे कोई जानवर है। गुफा इतनी गहरी है कि पूरा उसके अंदर नहीं जा सकते हैं अभी ये, हालांकि उन्होंने यहाँ पे जाल वगैरह बिछाया हुआ है, पूरे सामान के साथ ये यहाँ पे मौजूद है ताकि किसी भी मामले से यहाँ पे निपटा जा सके। आप देख सकते हैं वेरीनाग नौगाम शाहबाद से आप बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं ताकि लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे, आम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो वही हमारे तरफ से यही मैसेज रहेगी। पूरा जो अमला यहाँ पे वो लगा हुआ है ताकि किसी तरीके से इसको ट्रेस आउट किया जाए। हालांकि इनका ये कहना है कि गुफा बहुत गहरी है, ये 4 फुट 5 फुट की गुफा नहीं है, उससे ज्यादा है ये, और उसके अंदर भरपूर जाने की कोशिश की जा रही है। हम यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वेरीनाग नौगाम शाहबाद का ये इलाका है, एक बहुत बड़ा वसी इलाका है, जवान लगे रहते हैं चाहे भी कोई भी सूरत हाल हो, जान की बाजी लगाते हैं। आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पे ये गुफा है, और वहाँ पे जो छुपा हुआ जानवर है अभी मालूम नहीं है कि क्या है, यहाँ से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इन्होंने एक और गड्ढा खोदा है ताकि एक साइड से ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल से फुटेज ली जा रही है कि अंदर क्या है। वहां पे आसारात हैं और गहरा गड्ढा लग रहा है, वहां ये गुफा बनाई है। आप देख सकते हैं ये एक खेत है और इसमें आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि इसके अंदर कोई गुफा है, कोई माँ बहन यहाँ पे आ सकती है सब्जियां लेने के लिए, लेकिन उसको अंदाजा ही नहीं होगा कि इसके अंदर जो है वो कोई गुफा होगी। आप देख सकते हैं इन्होंने दूसरा गड्ढा यहाँ पे खोदा है ताकि असली गुफा तक ये पहुंच पाए। उन्होंने यहाँ पे मोबाइल से फुटेज ली है, बहुत अच्छी टैक्टिक का इस्तेमाल किए हैं। ये अभी तो मैं पता लग नहीं कतिन क्या हो, ये नबर किन द्राई नबर किन लग जस पता अच्छे नबर किन गोब बनाए अंदर की जमीन है तो हां ये सोन ये जमीन ये अंदर की शानस पता नबर किन क्या है तो अगर नबर किन छ नबर किन नबर को नहीं जाए खमियां दे सब्जी तो ले अपर यसो के मास नबर किन क्या लोड़ा वाला अला वाला के मास नबर किन और पेश नजर आसो अच गोब बनाए वारिय बड़ बड़ गोब मगर नबर राव नबर राव नहीं की पत कर मैं इतन हमसाय निश पता कि ये क्या दले तो यसो को वारिय काल। तो ये जो मुकामी बाशिंदे इनका ये कहना है कि हमने बाहर से देखा लेकिन हमें ये पता नहीं थी कि ये इतनी गहरी गुफा यहाँ पे है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा गड्ढा भी इन्होंने यहाँ से खोदा है, ये देख सकते हैं आप किस कदर फुटेज ली जा रही है अंदर से, और ये पता लगाया जा रहा है कि अंदर क्या छुपा हुआ है। तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं अगर वो वेरीनाग नौगाम शाहबाद से या चौगुण से ताल्लुक रखते हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि एहतियात करें इन दिनों, क्योंकि फसल काटी जा रही है
जानवर यहाँ पे मौजूद होते हैं वो एहतियात करें। और ये बैलट जो है शाहबाद बाला की बात करेंगे, यहाँ पे अक्सर भालू तेंदुए पाए जाते हैं तो एहतियात करना ही बेहतर है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सब्जियां लाने की गर्ज से आए थे, उनको मालूम ही नहीं था कि हमारे खेत के अंदर इस कदर गुफा होगी। कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे हमें थोड़े से सुराग मिले हैं कि वहाँ पे कोई जानवर है। गुफा इतनी गहरी है कि पूरा उसके अंदर नहीं जा सकते हैं अभी ये। हालांकि उन्होंने यहाँ पे जाल वगैरह बिछाया हुआ है, पूरे सामान के साथ ये यहाँ पे मौजूद है ताकि किसी भी मामले से यहाँ पे निपटा जा सके। आप देख सकते हैं ताकि किसी तरीके से इसको ट्रेस आउट किया जाए। हालांकि इनका ये कहना है कि गुफा बहुत गहरी है, ये 4 फुट 5 फुट की गुफा नहीं है, उससे ज्यादा है ये, और उसके अंदर भरपूर जाने की कोशिश की जा रही है। हम यहां से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और वहां पे जो छुपा हुआ जानवर है अभी मालूम नहीं है कि क्या है, यहां से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इन्होंने एक और गड्ढा खोदा है। आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि इसके अंदर कोई गुफा है, कोई माँ बहन यहाँ पे आ सकती है सब्जियां लेने के लिए, लेकिन उसको अंदाजा ही नहीं होगा कि इसके अंदर जो है वो कोई गुफा होगी। आप देख सकते हैं इन्होंने दूसरा गड्ढा यहाँ पे खोदा है ताकि असली गुफा तक ये पहुंच पाए। उन्होंने यहाँ पे मोबाइल से फुटेज अंबाजी के साथ, और इस वक्त भी आप देख सकते हैं मोबाइल फोन को डंडे से ये बांध रहे हैं ताकि ये फोन जो है गुफा के अंदर थोड़ा सा चला जाए और वहां पे पता लगाया जा सके कि अंदर क्या है। हालांकि थोड़े से सुराग इनको मिले हैं। मुकामी बाशिंदे इनका ये कहना है कि हमने बाहर से देखा लेकिन हमें ये पता नहीं थी कि ये इतनी गहरी गुफा यहाँ पे है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा गड्ढा भी इन्होंने यहाँ से खोदा है। ये देख सकते हैं आप किस कदर फुटेज ली जा रही है अंदर से, और ये पता लगाया जा रहा है कि अंदर क्या छुपा हुआ है। तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर वो वेरीनाग नौगाम शाहबाद से या चौगुण से ताल्लुक रखते हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि एहतियात करें इन दिनों, क्योंकि फसल काटी जा रही है, जानवर यहाँ पे मौजूद होते हैं, वो एहतियात करें। और ये बैलट जो है शाहबाद बाला की बात करेंगे, यहाँ पे अक्सर भालू तेंदुए पाए जाते हैं तो एहतियात करना ही बेहतर है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सब्जियां लाने की गर्ज से आए थे, उनको मालूम ही नहीं था कि हमारे खेत के अंदर इस कदर गुफा होगी और कोई जानवर इसके अंदर छुपा होगा। तो बहरहाल अमला जो है वो लगा हुआ है, तो फिलहाल यही पता लगाया जा रहा है कि आखिर अंदर क्या छुपा हुआ है। तो जब इस बात की पुष्टि होगी कि आखिर अंदर कौन सा जानवर है, तो फिलहाल ये टीम लगी हुई है। फिलहाल दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।